श्री कृष्ण। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बच्चों को अर्ली एज पर ही भक्ति क्यों सिखानी चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो भक्ति करते हैं और धीरे धीरे जब भक्ति का बीज उनके हृदय में अंकित हो जाता है, तो भक्ति का उनको उनके ऊपर वो प्रभाव पड़ता है जिससे कि उनके पास वो विवेक होता है कि वो सही और गलत का फैसला ले सकते हैं। तो तुलसीदास जी भी रामचरितमानस के अंदर लिखते हैं कि बिना सत्संग के व्यक्ति कभी भी विवेक प्राप्त नहीं कर सकता। आज के समय के अंदर ज्यादातर व्यक्तियों के पास विवेक इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास सत्संग नहीं है, और यदि व्यक्ति के पास सत्संग नहीं होगा तो उसके पास विवेक भी आना संभव नहीं है। अब प्रहलाद जी को देखिए, जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ था तो इंद्रदेव घबरा गए थे कि ये भी बालक अपने पिता की तरह राक्षस ना हो जाए, अर्थात कि देवता लोगों को भी भय लगता है कि कोई भी बालक पृथ्वी लोक पर कोई राक्षस ना बन जाए, इसलिए इंद्र देवता उनकी माता को हर के ले जा रहे थे। तब बीच में नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने ही कद्रु माता का अपने आश्रम पे पालन किया। तब वहां से जो प्रहलाद जी उत्पन्न हुए, उनका जो जन्म हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा कि प्रहलाद जी कभी भी हरि नाम को अपने मुख से विमुख नहीं करते थे। अपने पिता हिरण्यकश्यपु के कहने पर भी अपने सिद्धांत का उन्होंने कभी त्याग नहीं किया, हरि का नाम सदैव लिया, और इसका प्रभाव क्या हुआ कि उनको भगवत प्राप्ति हुई। केवल उन्हीं को नहीं, उनके पूरे परिवार को भगवत प्राप्ति हुई, और भगवत प्राप्ति का मार्ग उन्होंने संसार के लिए भी सुलभ किया। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा था कि उस ब्राह्मण से चांडाल भी श्रेष्ठ है जो हरि का भजन करता है। यदि कोई चांडाल है और कोई ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण हरि से विमुख है और चांडाल हरि के सम्मुख है, तो वह चांडाल ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज ने ऐसा कहा है, जो ब्राह्मण भगवान की भक्ति नहीं करता है वो गौण ब्राह्मण है। इसीलिए हमको भगवान की भक्ति ही सर्वप्रथम करनी चाहिए। अब जो लोग भक्ति करते हैं उनके जीवन के अंदर प्रभाव ये पड़ता है भक्ति का कि वो कभी भी गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, वो सदैव सही मार्ग का अनुसरण करते हैं, और वो ये सोचने में सामर्थ्यवान होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। कई सारे ऐसे बालक हुए हैं, प्रहलाद जी हुए, ध्रुव जी हुए, लवकुश हुए, इन सबका आश्रम पर ही लालन पालन हुआ था और उसका प्रभाव ये हुआ कि ये सब बड़े विद्वान बने। किंतु आज के समय में एक अलग ही धारा बह रही है। जिस प्रकार से बच्चों का लालन पालन किया जा रहा है, उससे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म हो रहा है, आतंकवादी उत्पन्न हो रहे हैं। ऋषि कश्यप से माता दिति ने कहा था कि पुत्रों की प्राप्ति में चाहती हूँ। तब ऋषि ने कहा था कि उचित समय नहीं है। अब पुत्रों की प्राप्ति के लिए समय उचित है या फिर अनुचित, ये भी देखना अनिवार्य होता है। किंतु उन्होंने बात नहीं मानी तो उसका प्रभाव क्या हुआ, अनुचित समय में जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए तो पृथ्वी पीड़ित होने लगी, जिसके कारण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का अंत करने के लिए भगवान को धरती पर अवतरित होना पड़ा। तो इसका अर्थ ये है कि जब व्यक्ति का लालन पालन सही से नहीं किया जाता तो आतंकवादी बन जाता है। जब अर्जुन जी सुभद्रा जी को बता रहे थे चक्रव्यूह को भेदना, तब उन्होंने सुना, किंतु बाद में जब उन्होंने ये बताया कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है, तब सुभद्रा जी सो गई और उनके गर्भस्थ जो शिशु था उसको भी निद्रा आ गई और वो भी सो गया। तो वो ये तो नहीं सुन पाया कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, किंतु प्रवेश करने का मार्ग वो जानता था। इसीलिए प्रवचन में सोना अर्थात कूद को खोना होता है। इसीलिए विवाह करने से पहले, संतान उत्पत्ति से पहले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए, अपने आप को संयमित रखना चाहिए, जिससे कि बालक प्रहलाद और ध्रुव जैसे हों। यदि बालक प्रहलाद और ध्रुव जैसे नहीं होंगे तो वो सीधी सी बात है कि आतंकवादी ही उत्पन्न होंगे, और आज हर घर घर में आतंकवादी ही उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, कंस, रावण आदि जैसे, दुर्योधन आदि जैसे बालक ना उत्पन्न हो। समाज के अंदर, भारत के अंदर, भारत संतों की भूमि रही है, भगवान जितने भी अवतार धारण करते हैं वो भारत भूमि में ही करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए कि विवाह से पहले हमको तपस्या, अपने युवा अवस्था में संयम अवश्य रखना चाहिए, या फिर हमको भोजन पर भी अत्यंत संयम रखना चाहिए। यदि भोजन पर भी हमारा संयम नहीं होगा
तो हम ही को पीड़ा उठानी पड़ेगी, क्योंकि भोजन पर यदि संयम नहीं होगा तो हमारी आयु भी नष्ट हो जाएगी, हमारे शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए युवा काल के अंदर ही जो बच्चे हैं उनको भक्ति अवश्य करनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते तो भक्ति नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे, और कुछ तो करेंगे इसका मतलब गलत मार्ग पर जाएंगे। इसीलिए भक्ति अवश्य सिखाएं, उनको भगवत नाम अवश्य सिखाएं। जब वो भगवान के नाम का जप करेंगे तो मस्तिष्क उनका एक सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकेगा और उनका मस्तिष्क शांत रहेगा। इसीलिए हरिनाम जो है वो एक दवा है। जब हम ये दवा छोटे बच्चों को देते हैं तो उनका मन शांत रहता है। तो इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।